हाँ जी नमस्कार। तो एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं किया सेल्टोस से रिलेटेड। पीछे क्रिकेट चल रहा है उसी ग्राउंड में जहाँ मैंने बताया था आपको। तो हाँ चलो छोड़ो ग्राउंड वालों को, तो किया सेल्टोस से लेके वीडियो जो भी कमेंट आ रहा है, मैंने बताया था कि इधर वो गाड़ी अपने पास नहीं है, गाड़ी गाँव पर है, लेकिन मैंने खूब 600-700 किलोमीटर वो गाड़ी चलाई है। तो उसके आधार पर ही मैं ये एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। तो इसमें मैं बताऊँगा गाड़ी का एक्सपीरियंस, माइलेज कैसा है, इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है गाड़ी का, और केबिन का आइसोलेशन कैसा है। तो ये 3-4 पॉइंट इसमें कवर करेंगे। बाकी एक फुल वीडियो जब मैं गांव जाऊंगा तो फुल वीडियो जो बड़ा भार होता है जिसमें आपको चलाते दिखाते हुए एक्सपीरियंस दिखाएंगे, वो बाद में दिखा देंगे। लेकिन ये चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। इंजन क्या 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है वो क्या अंडर पावर है? बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं है। गियर थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है जब भी आपको क्विक पावर की ज़रूरत होती है, लीनियर पावर। और लीनियर पावर का मतलब यही होता है कि मतलब जितनी चाहिए उतनी मिलती है, ऐसा नहीं कि ऐसा वाला झटका देने वाला इंजन नहीं है। तो वो चीज़ है, बहुत अच्छी पावर है, एडिक्यूट पावर है, कहीं भी आपको पावरलेस फील नहीं कराएगा। कहीं भी इंजन जो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इंजन जकड़ा हुआ है, इंजन बढ़िया इंजन है। तो इंजन से रिलेटेड इशू आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में माइलेज की बात कर लेते हैं। तो भाई माइलेज इस गाड़ी का जो रियल है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो MID इसकी दिखा रही है और कहाँ तक दिखाया वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो जनरली टैंक टू टैंक भी बात करें, जिस तरफ से हमने चलाई है, दो बार भराया है, तो लगभग 15-16 15-16। तो इसमें 40% गाड़ी चली है हाईवे पे, और कह सकते हो 50% कर सकते हो, और 50% चली है गांव में, थोड़ा सा गांव आ गया और कच्चे रास्तों पे और मतलब टूटे फटे रास्तों पर, ऐसे रास्तों, तो 50-50 चली है गाड़ी। तो उसमें 15-16 15-16 का माइलेज निकाला है। हमारे घर में सभी रगड़ के चलाने वाले नहीं हैं, सब बहुत प्यार से गाड़ी चलाने वाले हैं। तो अब दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको कि गाड़ी का मैंने हाईएस्ट कितना माइलेज टच किया। घर वालों ने, पापा ने जब चलाई तो ये गाड़ी 17 तक उनसे पहुँची थी जो MID में दिखाता है। तो भाई देख लो 17.5 का दे रही है अभी ये माइलेज, सूत रही है तो दे गया रही है माइलेज, ठीक ठाक है माइलेज। वैसे नॉर्मल 15-16 का दे देती है, पर अभी बढ़ता ही जा रहा। स्पीड माइलेज इसका असली माइलेज 90-100 के बीच में निकलता है एक्चुअली। कम चलाओगे तो भी नहीं देती इतना, बिल्कुल लाइट फुट पे 6th गियर में। ये देखो तो मैंने ये गाड़ी 21.7 तक पहुँचा रखी है। मतलब इसको बिल्कुल छठा गियर, मतलब गियर ही चेंज मत करो आप 40 के ऊपर हाईवे पे, और छठा गियर लगा के धीरे 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 जैसे जैसे गाड़ी आराम से उठती है वैसे उठाओ और उस तरह से चलाओगे, और 90-100 के बीच में चलाओ बस। तो ये गाड़ी मुझे लगता है अगर MID इसका सही है तो 19-20 का माइलेज दे सकती है गाड़ी, कोई इसमें समस्या मुझे लगती नहीं है। बहुत माइलेज देती है अगर आराम से चलाओ शांति से। अभी ऐसी है, अब ऐसे धीरे धीरे इतनी, लेकिन धीरे उठाता हूँ मैं, तेज उठाने का काम नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से। तो टैंक टू टैंक वाला वीडियो आपको जल्द ही बता देंगे, जब भी मैं गांव जाऊंगा बना के बता देंगे टैंक फुल करके, और फिर 100-200 किलोमीटर चला के आपको बता देंगे कि रियल में कितना माइलेज देती है। लेकिन हाँ नॉर्मल भी चलाते हैं तो 15-16 का माइलेज कहीं नहीं गया अगर आप सही से गाड़ी से चलाते हैं, और रगड़ के चलाएंगे भूँ भाँ करके तो 10-12 का देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। तो सिटी में जैसे दिल्ली जैसी सिटी जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है वहाँ आपको 10-12 का देगी। बाकी हाईवे पे आपको ये 17-18 का दे सकती है, और मिक्स करके कहें तो 15-16 का देगी। तो माइलेज वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस इंजन को लेकर, जो कि क्लियर हो गया होगा आपका। अगली चीज़ बात करते हैं वो है सस्पेंशन की। सस्पेंशन अमेजिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया कॉन्फिडेंस देते हैं, ना टाइट हैं मतलब हार्ड हैं ना सॉफ्ट हैं, बीच वाले हैं, बढ़िया हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन में कोई छोटे मोटे गड्ढे फील वील कुछ नहीं होते हैं, और मैं तो बलेनो चला के उस गाड़ी को चलाया है मैंने, तो मुझे तो उसका सस्पेंशन अमेजिंग लगा। बलेनो का सस्पेंशन तो उसके मुकाबले कहीं नहीं है, ये तो बलेनो का तो हार्ड है भाई, ये तो धड़ वाली गाड़ी है, ये तो बस मक्खन या रोड होते हैं वहाँ की गाड़ी है ये। तो वो कच्चे रास्ते हों पक्के रास्ते हों आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया अच्छा है सस्पेंशन वगैरह। सबसे अच्छी जो चीज़ उसके बाद में सस्पेंशन के नीचे ही देख लेते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस की जो मुझे लगी हमारे घर पे, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, देखना आप मेरे चैनल पे बने रहना, और बने रहने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नीचे। तो आगे आने वाले वीडियो जब भी मैं गाँव जाऊँगा तो फुल एक रिव्यू देंगे आपको गाड़ी का, उसके बाद में आपको कच्चे रस्तों का रिव्यू देंगे कि एक 190 का ग्राउंड क्लियरेंस है और वो वर्क करता है।
जहाँ मेरी बलेनो को मैं सोच भी नहीं सकता हूँ ले जाने के लिए, इसका 170 है, वहाँ उसको हम बेझिझक फर्स्ट सेकंड गियर थर्ड गियर में आराम से चला के ले जाते हैं। तो गांव में है समस्या, सीधी सी बात है, अभी रास्ता नहीं है। दूसरी बात तो ग्राउंड, चलो ये तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात हो गई, सस्पेंशन ले लिया हमने, कवर कर लिया, ग्राउंड क्लियरेंस कर लिया, माइलेज कर लिया, इंजन कर लिया, अब क्या बचा? केबिन इंसुलेशन। केबिन इंसुलेशन बिल्कुल आपको टॉप नॉच मिलेगा, और इंजन जो है ना इतना रिफाइंड है कि पापा वगैरह ने डीजल वीजल चलाई है थोड़ी बहुत कभी कभार, चालू है बंद है, चालू है बंद है, बस यही, बस उधर नहीं देखते हैं तो पता नहीं चलता कि चालू है बंद है, तो वो चीज़ है एक। और तो केबिन इंसुलेशन बहुत अच्छा है, टायर वगैरह की रोड ज़्यादा नॉइज़ नहीं आती है, रोड बहुत ही ख़राब है तो हल्की फुल्की नॉइज़ फिल्टर करती है जो कि नॉर्मल है, तो वही टॉप नॉच जो हुंडई जैसा इंसुलेशन होता है, हुंडई की गाड़ीज़ में, गाड़ीज़ क्या कार्स में जो इंसुलेशन होता है वैसा ही इंसुलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इन सब पॉइंट्स में तो ये गाड़ी खरी उतरती है, कहीं कोई समस्या नहीं है अभी तक। बाकी जो चीज़ें हैं वो और कुछ आएगा तो फिर एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। तो बस ये था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। और भी कुछ आपके कमेंट हैं या फिर कुछ गाड़ी के बारे में जानना है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और इंस्टाग्राम की आईडी भी पता नहीं अभी होगी या नहीं होगी क्योंकि लैपटॉप बिना वहाँ ऐड नहीं होती है, अगर होगी डिस्क्रिप्शन में मैं कर ही दूंगा ऐड, तो वो आप मेरे को वहाँ जाके फॉलो करके वहाँ पर डिटेल में मेरे से पूछ सकते हो। आप यहाँ कमेंट में मैं आपके सब रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं कर सकता हूँ, पर्सनल मैसेज आप मेरे को भेज सकते हो। बाकी तो कोरोना चल रहा है अभी भी, लॉकडाउन चल रहा है अभी भी, तो मस्त रहो, खुश रहो, लेकिन घर में रहो, सेफ रहो। चलो टेक केयर, बाय बाय।